नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले सभी छात्रों के लिए इस होली के मौके पे एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इंडियन रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अप्रेंटिसशिप एक्ट में बदलाव किया गया है, जो जिसके तहत आप अप्रेंटिसशिप करते थे, रेलवे ने उसमें थोड़ा सा चेंज किया और ये दो चेंज आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप आईटीआई किए और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो ईजीवे कोचिंग में ऑफलाइन बैच 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो आप हमारे 4 अप्रैल वाले बैच को ज्वाइन करके अपना तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। आप आईटीआई से जितनी भी सरकारी नौकरी आती है उन सबके लिए आप आसानी से तैयारी करके नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, 22 और 23 में बहाली बहुत ज़्यादा आने वाला है। अगर आप बैठे रहेंगे घर तो नौकरी आपको नहीं मिलने वाला है। तैयारी में लग जाइए, विश्वास कीजिए। पिछले 2 साल से कोरोना से सभी चीज़ें डिस्टर्ब था, परेशानी थी, अब सारा चीज़ ओपन हो चुका है, बहाली बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी आपका वक्त है, समय है, समय से पहले अगर आप संभल जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा। आप तैयारी में लग जाइए। अगर ऑफलाइन बैच जो 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो हमारे ऑनलाइन का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। मास्टर कोर्स इस तरह से बनाया गया है कि आपको कोई मास्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा, घर बैठे सारी चीज़ों का आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मास्टर कोर्स के अंदर में वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट का वीडियो सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन, क्विज इत्यादि बहुत सारा चीज़ ऐड किया गया है जो आपको तैयारी में 4 चांद लगा सकता है। तो जल्दी से हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए कि आपके लिए ईजीवे कोचिंग में और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। चलिए बात करते हैं अप्रेंटिसशिप एक्ट के बारे में, जो रेलवे की तरफ से परिवर्तन किया गया है अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों के लिए। तो यहां पर इसका जो नोटिस है उसको मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं। देखिए, ये रहा रेलवे की तरफ से नोटिस, 11 मार्च को जारी किया गया, और इस नोटिस में क्या लिखा गया उसको हम 1 by 1 करके समझाते हैं। सबसे पहले यहां पर देखेंगे, ये जो नोटिस है, नोटिस में लिखा है CCAA, इसका मतलब होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, जिसको हम लोग CCAA करते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है। और इसी के तहत सभी छात्र आईटीआई करने के बाद रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं। अब इसमें यह बोला है कि 26-1 का जो मीटिंग हुआ था रेलवे बोर्ड की तरफ से, उन्होंने डिसीजन लिया है कि इसमें हम परिवर्तन करने जा रहे हैं, और परिवर्तन क्या होगा वो सुन लीजिए। आगे बढ़ेंगे तो यहां पे जैसे नीचे आएंगे तो आइए समझते हैं इसमें दो जो बदलाव किया है वो दो बदलाव क्या है। सबसे पहले यहां पर देखिए, इसमें बोला है कि CCAA, मतलब ये जो अप्रेंटिसशिप कोर्स जो कर रहे हैं रेलवे की तरफ से, और रेलवे में जो रेलवे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मतलब रेलवे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप करेगा उसको वेटेज दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। अब इसको समझिए, इससे पहले 20% लोग बोलते हैं कि वेटेज मिलता था, 20% पहले वेटेज नहीं मिलता था, 20% सीटें आपके लिए रिजर्व रहता था। मतलब टोटल सीट में से, मान लीजिए टोटल 100 सीट है, 100 सीट में से जो 20 सीटें था इस पर केवल और केवल अप्रेंटिसशिप वाले को जॉब मिलता था। टोटल 100 सीट था, 100 सीट में से केवल 20 जो सीटें होती थी वो केवल अप्रेंटिसशिप के लिए रिजर्व रहता था, बाकी 80 सीटों पे सभी लोग फाइट कर सकते थे, ये पहले नियम था। लेकिन ये बोला है कि हम वेटेज देंगे, क्या बोला है कि हम वेटेज देंगे, तो ये वेटेज नहीं होता है, ये क्या होता है, ये रिजर्वेशन होता है। लेकिन अब वेटेज देगा, तो वेटेज देगा इसका मतलब ओवरऑल बहाली पर वेटेज मिल जाएगा। किस पर मिलेगा? ओवरऑल पे। मान लीजिए 100 सीट है, ठीक है, टोटल, और 100 सीट पर वेटेज दे रहा है, मतलब ये मान लीजिए आपको 30% वेटेज दे दिया है, इसका मतलब हुआ, और 30% वेटेज किसका देगा? एनसीबीटी का, जो एनसीबीटी के तहत जो हम अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो अप्रेंटिसशिप में जितना नंबर लगेगा उसका 30% अगर वेटेज दे देता है तो 100 सीटों पर आप फाइट करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, आपके लिए मौका बढ़ गया है। पहले आप 20 सीटों में ही आप सिमट कर रह जाते थे, 20 सीटें ही आपके लिए था, 100 में से 80 सीटें जनरल होता था। अब बोला है कि नहीं, सारे सीटों पर हम वेटेज दे देंगे, जो अप्रेंटिसशिप करेगा वो फाइट करे और इजीली आपको नौकरी मिल जाएगा। पहले बड़ा मुश्किल था ग्रुप डी में जाना, इसलिए क्योंकि आपके लिए 20 ही सीट था 100 में से, मतलब 20% ही था। अब आपको मौका दिया 100% पे कि 100% पे वेटेज हम दे देते हैं तो काफी आसान हो जाएगा। तो अब अप्रेंटिसशिप रेलवे से अगर आप करते हैं तो ग्रुप डी के लिए आप मान कर चले कि आपका सीट सुरक्षित हो गया है, नौकरी की मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो काफी अच्छा बदलाव है। तो मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे कि क्या यहां पे बताया गया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर इसको थोड़ा सा अच्छे से नहीं बता पाए, तो आपको मैं बताता हूं कि जो पहले 20% था वो सीट रिजर्व था,
मतलब 100 में से 20 सीट ही आपके लिए था। अब बोल दिया कि वेटेज दे देंगे। वेटेज का मतलब यह होता है कि ओवरऑल जितने भी सीटें थी उस सब पे वेटेज रहेगा। तो सीटों की संख्या पता है 1 लाख होता है, और 1 लाख सीटों पर अगर आपको वेटेज 20% 30% भी मिल जाता है तो आपके लिए नौकरी लेना आसान हो जाएगा। और जैसा कि आयोग है, एक संगठन है IRF करके रेलवे का, जो रेलवे के जितने भी मजदूर हैं, जितने भी ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, जो भी रेलवे में जॉब करते हैं उनके राइट्स को लेकर वो काम करता है, तो उन्होंने बोला है कि रेलवे 1/3 पे मान गया है, 1/3 वेटेज दे देगा। मतलब अगर 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है अप्रेंटिसशिप का, और 100 में से अगर आप 90 नंबर लाए हैं, ठीक है, तो 90 का 3 कर लीजिए, मतलब 30 नंबर का वेटेज मिल जाएगा। जो अप्रेंटिसशिप में जितना भी नंबर होगा उसका 3 से भाग कर देंगे, उतना वेटेज मिल जाएगा सभी सीटों पे, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना वेटेज देगा इसका जिक्र नहीं किया है, तो इसको हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब भी बहाली आएगी तो उस दिन पता चल जाएगा कि कितना वेटेज दे रहा है। लेकिन बहुत अच्छा किया है, 20% हटा दिया है, 20% जो सीटें रिजर्व था उसको करके सारे सीटों पर वेटेज दे दिया है। काफ़ी अच्छा फैसला, स्वागत योग्य है, और इसके लिए रेलवे को बहुत सारी शुभकामनाएं कि हमारे ITI करने वाले बच्चों के प्रति इन्होंने सोचा है। अब समझते हैं नेक्स्ट है ये रेलवे एस्टैब्लिशमेंट, मतलब रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो भी अप्रेंटिसशिप करेंगे उनको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं देना होगा लेवल 1 के जॉब में, मतलब ग्रुप डी में। ये क्या होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, समझ लीजिए, जब भी आप ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं, रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, तो आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको 35 kg वेट लेकर 100 मीटर की दूरी तय करनी होती है। इसको बोलते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, मतलब 35 kg आप वेट ले लेंगे अपने शरीर पे और 100 मीटर दूरी तय करेंगे दौड़ते हुए एक फिक्स टाइम में, तब जाकर आपको पास माना जाता है। अब ये बोल दिया है कि हम अप्रेंटिसशिप जो रेलवे से कर रहा है उसको ये टेस्ट नहीं लेंगे, उसको बाय डिफॉल्ट क्वालिफाई मान लेंगे, तो काफी अच्छा है। क्योंकि यहां भी बच्चे फेल कर देते हैं, थोड़ा सा अगर इस पे ध्यान नहीं देते थे तो 35 kg लेकर 100 मीटर दौड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता, और उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे पास हो जाते थे जो अप्रेंटिसशिप नहीं किए रहते हैं रेलवे से, और उनको जॉब मिल जाता था, और आपका अधिकार था कि रेलवे में आप ऑलरेडी अप्रेंटिसशिप किए हुए समय दिए हैं और आपको नौकरी नहीं मिलता था। और ये हटाने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, एक मेंटल रूप से आप फ्री रहिए कि हमको ये काम नहीं करना है, बस रिटर्न एग्जाम निकालना है, थोड़ा बहुत भी नंबर लाएंगे तो वेटेज मिल जाएगा और ये हट जाएगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा फैसला है रेलवे की तरफ से, और इसके लिए रेलवे को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई के पात्र है रेलवे कि इन्होंने इस तरह का कदम उठाया है। तो दोस्तों अब कुल मिलाकर ये रहा कि अगर ITI किए हैं तो अप्रेंटिसशिप करना रेलवे से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रेलवे ने वेटेज दिया है सारे सीटों पर, और आजकल जॉब की इतनी मारामारी है कि आपको ग्रुप डी का जॉब मिल जाए, टेक्नीशियन का जॉब मिल जाए, कुछ भी मिल जाए आपका, कहीं ना कहीं एक आपके लिए अच्छा होता है। तो मैं समझता हूं कि अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो गवर्नमेंट से ही कीजिए, मतलब BHL, ISRO, DRDO वगैरह सबसे कीजिए, टॉप में रेलवे को रखिए, रेलवे से कर लीजिए कि फ्यूचर में आपको कभी भी बहाली आएगा तो इस पर आपको थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा, क्योंकि रेलवे जो ग्रुप डी है बहुत ज़्यादा संख्या में सीटें निकालता है, तो ऐसे में रेलवे आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकता है। तो ये न्यूज़ था जो आप लोगों को बताना था। इसके अलावा हमारा ग्रुप है फेसबुक पे ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें इस तरह का न्यूज आपको मिलेगा, प्लेसमेंट के बारे में जानकारी मिलेगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा ट्विटर, टेलीग्राम और पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चीज़ों का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।